Hey, क्या तुमने 50,000 खर्चा कर दिया बट फिर भी मन मुताबिक फोन नहीं मिला? इसका सिर्फ एक ही रीजन, तुमने भाई का पिछला टॉप 5 स्मार्टफोन्स का लिस्ट मिस कर दिया था, है ना। लेकिन इस बार तुम काफी ज्यादा नसीब वाले हो। ये वीडियो जो देख रहे हो लिस्ट है टॉप 5 स्मार्टफोन्स का। एंड दोस्तों आज एक खुशखबरी है, आज जितने भी फोन के बारे में बात होगा उनमें ज्यादातर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 का प्रोसेसर मिलेगा। गेमर्स मिठाई बांटो यार। लेकिन अगर तुम्हें फोटोज खींचना है या फिर डिजाइन भी प्रायोरिटी है तब भी इस लिस्ट को तुम्हें देखना चाहिए। सभी सेगमेंट को देखकर ही तो लिस्ट बनाया गया है। जाते हैं तो लिस्ट में नंबर 5 में है IQ 11 5G। वैसे तो IQ एक बहुत ही नया ब्रांड है बट काफी प्रॉमिसिंग काम कर रहा है एंड एज एक्सपेक्टेड IQ 11 भी कमाल की फीचर्स लेकर आता है। वेल हम बात कर रहे हैं एक ऑल इन वन फोन के बारे में। पहले तो एक LTPO 4 AMOLED 144 हर्ट्ज का HDR 10 प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है और इस डिस्प्ले का खासियत है 1 billion कलर्स को शो करने का कैपेसिटी। बहुत ही लाजवाब एक डिस्प्ले है। ओके, IQ मतलब गेमिंग के ऊपर खास ध्यान एंड टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर, है ना। अरे बिल्कुल। सो अगेन स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 लोडेड बिल्कुल ताबड़तोड़ गेमिंग के लिए। कैमरा भी बढ़िया है। तो रियर में तुम्हें मिल रहा है 50+13+8 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, साथ में 5000 एमएच का एक बड़ा बैटरी एंड 120 वाट का फास्ट चार्ज। सब कुछ मिला दो तो ये फाड़ू फोन है। वेल बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की ओर। सो नंबर 4 में आता है Vivo X90। पहले डिस्प्ले की बात कर ले तो सामने से अगर खूबसूरत नहीं होगा तो फिर अंदर घुस के क्या करेंगे। वैसे इस फोन को ना सामने से देखने में बड़ा मजा आएगा क्योंकि इधर तुम्हें मिलता है फ्लूइड एमोलेड 120 हर्ट्ज HDR 10 प्लस डिस्प्ले। स्पेसिफिकेशंस एक बात और रियल लाइफ एक्सपीरियंस अलग बात। लेकिन रियली में रियल लाइफ में इसका डिस्प्ले काफी ज्यादा चमकीला है, एकदम कर। एंड ये जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके वजह से बहुत ज्यादा स्मूथ फील होने वाला है तुम्हें। सो भाइयों और उनके बहनों, फीलिंग्स ही जिंदगी में सब कुछ। अब इतना खूबसूरत डिस्प्ले वाला फोन अगर हाथ से गिर गया तो कुछ नहीं होगा भाई। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन जो मिलता है, और प्रोटेक्शन जरूरी है। वेल प्रोसेसर की बात करें तो तुम्हें इधर मिलता है मीडियाटेक डिमेंसिटी 9200 जो कि बढ़िया है, फ्लैगशिप है। और क्या चाहिए? नेक्स्ट सेगमेंट कैमरा। तो जीज के साथ मिलकर ना वीवो वाले बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कैमरा आउटपुट देने की कोशिश कर रहा है एंड एक्चुअली में बहुत बढ़िया फोटोज आता है। और इधर तुम्हें रियर में मिलेगा 50+12+12 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप। और एक बढ़िया बात यह है कि इधर ना तुम्हें लेजर ऑटो फोकस देखने को मिलता है। अब तुम जैसे भीड़ में अपने क्रश को इंस्टेंटली फोकस कर लेते हो ठीक वैसे ही ये काम करेगा, झटाक से फोकस हो जाए। बाय द वे सेल्फी लवर्स के लिए भी बहुत कुछ है इस फोन। सामने को तुम्हें देखने को मिलेगा एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। बाकी इधर भी तुम्हें मिलता है 120 वाट का फास्ट चार्जिंग एंड 4810 mAh का बैटरी। सब मिलाकर एक तगड़ा फोन है। वेल नंबर 3 में है Moto Edge 40 Pro। सेल्फी लवर्स के लिए यही है क्योंकि तुम्हें इधर मिलता है 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। हाउ वाइज 60 मेगापिक्सल, लिटरली बाल का खाल दिखेगा। प्लस रियर में तुम्हें मिलता है 50+50+12 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल कैमरा। इसी के साथ FHD प्लस AMOLED 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 120 नहीं 144 भी नहीं 165 हर्ट्ज सीधा। समझ जाओ दुनिया में सब कुछ स्लो लगेगा इसको यूज करने के बाद, स्मूथ मक्खन एकदम फिसल जाए मतलब उंगली। बाय द वे इसमें भी स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 का प्रोसेसर मिलता है। मैंने पहले ही बोला था कि ज्यादातर फोन्स में यही प्रोसेसर तुम्हें मिलने वाला है। उसी के साथ 4600 mAh का बैटरी विद 68 वाट का फास्ट चार्जिंग, तो किसी भी जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है मेरे ख्याल से, डिस्प्ले में तो बिल्कुल भी नहीं। वेल अभी हम पहुंच चुके हैं टॉप 2 के लिस्ट में। नंबर 2 Xiaomi 13। एक क्वेश्चन का आंसर दो, इसका प्रोसेसर क्या होने वाला है? बोलो बोलो ना। एकदम सही, Qualcomm स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 सुपर फास्ट परफॉर्मेंस के लिए। सामने है एक 120 हर्ट्ज का OLED डिस्प्ले एंड इसका कैमरा सेगमेंट भी काफी दमदार है। 50+10+12 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक साइड में एंड सामने 32 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा। ऑन पेपर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। और हाँ एक बात बताना तो भूल ही गया, ये लाइका ट्यून्ड है। और क्या? हाँ बैटरी, 4500 mAh का एक बैटरी मिलता है इसमें, साथ में 67 वाट का फास्ट चार्जिंग। हाँ बताया बैटरी थोड़ा सा कम है बट फास्ट चार्जिंग ना इसको मैनेज कर देगा। एक और बात, Xiaomi का ना सॉफ्टवेयर काफी इंप्रूव हो चुका है पहले के मुकाबले, तो ये फोन सभी सेगमेंट में खड़ा उतरता है। अब OnePlus 11 हर साल की तरह इस साल भी OnePlus अपना फ्लैगशिप फोन लॉन्च कर चुका है। हाँ भाई OnePlus 11 सीरीज की बात कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 57,000 से शुरू हो रहा है। बाकी स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। देखो भाई डिस्प्ले के बारे में अलग से के इसका टाइम वेस्ट नहीं करता है। Vivo X90 का एग्जैक्ट सेम डिस्प्ले, जुड़वा समझ लो। बाकी एल्युमिनियम फ्रेम, ग्लास बॉडी एंड स्टाइलिश कैमरा लेआउट, सब कुछ मिला के ये बहुत ही प्रीमियम एक फील देने वाला है तुम्हें। अब कैमरा लेआउट के बारे में बात हो ही रहा है तो फिर तुम्हें बता दूं, इधर तुम्हें मिलेगा एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिपल कैमरा सेटअप। कोई नंबर गेम्स नहीं, कुछ नहीं, 50+32+48 मेगापिक्सल्स का ट्रिपल कैमरा सेटअप प्लस हेजल ब्लेड का ट्यूनिंग। और सामने मिलता है एक 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर। और प्रोसेसर की बात करें तो वही स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिपसेट
रेड 8 Gen 2 बाकी 5000 mAh का 100 वॉट फास्ट चार्जिंग का बैटरी। कुल मिला के ये सच में एक नंबर वन फोन। कैसा लगा कमेंट करके बताना, और हाँ तुम्हारा फेवरेट ब्रांड कौन सा है वो भी बताना। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर करना, ताकि उनको थोड़ा सा मदद मिल जाए अगर उनका प्लान है नया फ्लैगशिप फोन खरीदने का। वेल अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फिर स्वागत है मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। सो गुड बाय।